Zombie Apocalypse. अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हो उसामा राजपूती यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की स्टूडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूं एक मोस्ट रिक्वेस्टेड उर्दू रिलिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर। तो यहां पे गाइस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूं। जो मेरे साथ हुआ वो मेरा नसीब था, अब जो तुम्हारे साथ होगा वो मकफाते अमल होगा। तो कि जैसे कि आपने डेमो में देखा इस तरह की गाइस, आपने अक्सर स्टेटस जो सा टिकटॉक या रील्स के ऊपर देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा गाइस वायरल जा रहा है इस तरह के टेक्स्ट एनिमेशन में। तो इसको गाइस आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो गाइस मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इस वीडियो को गाइस आपने शुरू से लेकर एंड तक लास्ट में देख लेना है। तो चलिए गाइस मेरा डेमो के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइट मोशन एप्लीकेशन है वो ओपन कर लेनी है। देन गाइस आपको प्लस वाले आइकॉन के ऊपर जाकर 9.16 के गाइस आपको स्क्रीन चूज कर लेनी है। अब गाइस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए गाइस आपको एक ऑडियो है या पोइट्री की ऑडियो लगा रहे या सॉन्ग की ऑडियो लगा रहे वो गाइस आपकी मर्जी है, वो गाइस आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो ऑलरेडी गाइस मैंने यहाँ पे एक ऑडियो लगा दी जिसके ऊपर गाइस मैंने ऑलरेडी स्टेटस क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसी का गाइस जो उसमें ऑडियो है वो गाइस मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ ऑडियो। देन मैं गाइस इसकी वीडियो जो उसमें वो डेल कर देता हूँ। अब गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, वापस गाइस आपको बैक जाना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर गाइस मैं आपको एक XML प्रोवाइड करूँगा, ये वाला होगा कुछ इस तरीके से। तो इन तीनों को गाइस आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी थ्री लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है, वापस बैक के ऊपर आना है और यहाँ पर ला के गाइस आपको इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर गाइस जो आपका रिलिक्स होगा उसको गाइस आपने तब्दील करना है। जैसे कि इसमें यहाँ पे इसको कट करता हूँ और जो फर्स्ट रिलिक्स होगा इस ऑडियो का वो इसमें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद अब आपने इनकी जो उसकी सेटिंग्स है वो आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो इनको इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में जो सा म्यूज़िक है तो यहाँ से जो उसकी हमारी पोइट्री स्टार्ट हो रही है, ठीक हो गया। जो मेरे साथ हुआ वो मेरा नसीब, तो यहाँ तक जो मेरे साथ हुआ यहाँ तक जो सा हमारा एक पूरा क्रिएट हो चुका है एक रिलिक्स। अब गाइस आपने इसको एडजस्ट करना है इसके जो से इफेक्ट से उनको, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे गाइस फर्स्ट पेपर आएगा गैसिंग ब्लर, इसको गाइस आपने छोड़ देना है। पंच बग आएगा तो इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक करना है। रेड्यूस जो सा होगा गाइस आपने इसका जीरो कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद गाइस आपने मिनिमाइज़ करना है। नीचे गाइस एक्सप्लोसिव गामा आएगा, इसका गाइस जो सा गामा होगा उसको गाइस आपने 1000 कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो सा मैंने इसको 1000 कर दिया है। गाइस यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। डायरेक्शन ब्लर आएगा तो इसके ऊपर गाइस मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे गाइस जो इसका एंगल होगा वो गाइस मैं यहाँ पे इसका जीरो कर दूँगा, ठीक हो गया। ये यहाँ से गाइस जो इसका एंगल जीरो हो चुका है, यहाँ से गाइस मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा। अब गाइस हम यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट स्पेसिंग के ऊपर, तो यहाँ पे गाइस मैं आऊँगा। यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम एक की यूज़ करेंगे, की यूज़ करने के बाद इन अल्फाजों को गाइस अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। जहाँ पे गाइस ये अल्फाज जो से प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आते, तो अल्फाज जो से गाइस हमें -8 के ऊपर नज़र आ रहे या फिर गाइस अगर हम जीरो कर देंगे तो ये इस तरीके से खुल भी जाएगा अल्फाज, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं जीरो कर देता हूँ। उसके बाद गाइस जो से मैं यहाँ पे की यूज़ करूँगा, की यूज़ करने के बाद इन अल्फाजों को गाइस जो से मैं तकरीबन कोई गाइस मैं यहाँ पे 32 के करीब ले जाऊँगा कि अल्फाज जो से गाइस हमारे सारे इकट्ठे हो जाए। तो इसको एंड तक ले जाऊँगा और ये जो से गाइस हमारा की बिल्कुल सही है। तो जो कि गाइस हमें एनिमेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, अल्फाज जो से गाइस एंड के ऊपर जाके इकट्ठे हो जाएंगे। अब गाइस मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा। मिनिमाइज़ करने के ऊपर लास्ट के ऊपर गाइस इफेक्ट आया जाता है स्ट्रिपर्स का, तो यहाँ पे गाइस आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी कलर यूज़ किया होगा तो यहाँ पे गाइस आपने पंच आउट गाइस आपको कर देना है, ठीक है। पंच आउट यहाँ पे कर देंगे तो हमें जो गाइस ब्लैक कलर होगा वो गाइस हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर गाइस आपको ये ज़्यादा मोटा लगे इसका जो ब्लैक इफेक्ट है तो ऊपर गाइस आप जाएंगे, यहाँ पे गाइस आपको विड्थ नज़र आएगी, इसको गाइस आप 1 भी कर सकते हैं। 1 के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्रीक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, तो मैंने गाइस यहाँ पे 2 किया हुआ है, तो ये 1 और ये 2 किया हुआ है जो कि गाइस हमें एक अच्छी इंटरफेस दे रहा है। तो यहाँ पे तक अगर गाइस हमारा जो सा ये एक टेक्स्ट जो सा गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और किस बार ही जाती ऊपर गई जो सा ये इफेक्ट यूज़ किया मैंने इमोजी वाला, तो इसके ऊपर जो से मैंने कोई और इफेक्ट यूज़ किया हुआ है। इनके सारे इफेक्ट को गाइस आपने आई बटन जो सा गाइस आपने ऑन कर देना है, ये मैंने गाइस ऑफ किया हुआ था, ठीक है। जिससे गाइस XML शेयर करते वक्त जो से इफेक्ट से वो गाइस दाएं बाएं नहीं होते, यानी कि अल्फाज के ऊपर या इमोजी के ऊपर प्रॉपर तरीके से हमें नज़र आते हैं, जो कि गाइस हमें कुछ इस तरीके से इंटरफेस देगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, तो ये गाइस हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं। अगली बार आ जाती है यहाँ पे गाइस जो से ये इफेक्ट है, ये गाइस ऑलरेडी मैंने प्रॉपर तरीके से इस तरह ही छोड़ा हुआ है क्योंकि ये एक ही इमोजी था, इसके ऊपर गाइस इफेक्ट वगैरह हमारे ख़राब नहीं हो गए। तो इसके ऊपर गाइस कोई भी मैंने इफेक्ट वगैरह नहीं छेड़ा, इसको गाइस आपने सेम एज इट इज़ इसी तरीके से यूज़ कर लेना है। अगर आपने इन दोनों लेयरों को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद कॉपी टू लेयर अगर गाइस जो से भी रिलिक्स होगा उस हिसाब से गाइस आपने यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है, पेस्ट टू रिलिक्स, ठीक है।
और इसी इमोजी को इसमें आगे ले जाता हूँ और यहाँ पे कि जो सा हम इसको चेंज कर देते हैं, जो सा भी किस हमारा अगला लिरिक्स होगा, तो वो मेरा नसीब था, तो वो किस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैं गई यहाँ पे इसके इमोजी जो से हो गए तीन लगाऊंगा अलग अलग किस्म के, ठीक हो गया। तो एक गई इसमें यहाँ पे ये लगाऊंगा, फिर एक ये और एक ये, ठीक हो गया। ये गई मैंने तीन इमोजी यहाँ पे यूज़ कर लिया है, या फिर यहाँ पे ये वाला एक लगा देता हूँ। देन ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। साइज़ इसका थोड़ा सा अगर बड़ा लगे तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं अपने रिलिक्स के हिसाब से। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और अब मैं गई जो से इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से गई जो से मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये किस यहाँ पे ऐड हो चुका है। जो मेरे साथ हुआ वो मेरा नसीब था। अब मैं गई यहाँ पे करूँगा कि यहाँ पे गई जो से मैं इसको इमोजी को दो हिस्सों में तकसीम करूँगा। जैसे कि एक ये मैंने इमोजी यूज़ किया है, यहाँ से कॉपी लेयर करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पे फिर मैं पेस्ट लेयर कर दूँगा इसी इमोजी का, क्योंकि गाइस आगे हमें म्यूज़िक नज़र आ रहा है, तो उसको गाइस जो सा मैं यहाँ पे इमोजी जो सा है ये वाला लगा दूँगा, ये वाला एक, ठीक है। देन ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मैं गाइस आपको यहाँ पे प्रीव्यू दे देता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो मेरा नसीब था। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो सा गाइस यहाँ पे स्टेटस है वो गाइस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप जो सा एक ट्रेंडिंग स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।